हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है फॉरवर्ड ब्लॉक और INA के ऊपर है, इंडियन नेशनल आर्मी। तो काफी रिक्वेस्ट थी मेरे पास इस वीडियो के लिए, तो चलिए आपके सामने है आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपके पास टाइमली मैसेज पहुंच जाए। फेसबुक पर मैंने एक ग्रुप बना रखा है, उसका ग्रुप का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे जाकर लिंक को दबाएं और हमसे जुड़ें। फाइनली देखेंगे आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, रिफ्ट विद गांधी, फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू फॉरवर्ड ब्लॉक, रोल ऑफ INA इन फ्रीडम स्ट्रगल और सिग्निफिकेंस ऑफ INA। तो पहले आता है सुभाष चंद्र बोस एंड INA। INA की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। तो बार बार मैं इसको नहीं बोलूंगा, बस INA जहां पे भी वर्ड आ रहा है समझ लीजिए इंडियन नेशनल आर्मी है। इसको आजाद हिंद फौज भी बोला जाता है, आजाद हिंद फौज। तो ये आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, INA, ये तीनों चीजें एक ही हैं। अब सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी भी बोलते थे। नेताजी का मतलब होता है रिस्पेक्टेड लीडर। तो ये बड़े ही जबरदस्त एक इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी हैं। जबरदस्त तरीके से इन्होंने इंडिया के लिए, आजादी के लिए जंग लड़ी थी, तो बहुत ज्यादा इनको शत शत नमन है। फिर 1920 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकाला था। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालना, बात तो आज भी बड़ी मानी जाती है। इंडियन सिविल सर्विसेज क्या है ये अगर आपने नाम सुना हो, IAS, IPS, IRS, ठीक है, ये जितने भी अगर आपने कभी नाम सुने हैं तो ये सारे के सारे इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोस्ट है। इसको क्रैक करना आज भी बहुत टेढ़ी खीर माना जाता है, और उस टाइम तो आप समझ लीजिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जनरली जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने ही कंट्री के लोगों को फेवर करते थे। और उस टाइम, ये आज तो ये एग्जाम इंडिया में होता है, अभी 1920 में एग्जाम इंडिया में भी नहीं होता था, इंग्लैंड में होता था। तो सोचो आपने, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये इंग्लैंड जाके एग्जाम निकाला, तो कितनी बड़ी बात थी उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर तो एग्जाम निकाला, लेकिन इन्होंने बाद में जॉब नहीं करी, इन्होंने बोला मैं इंग्लैंड के लिए काम नहीं करूंगा, इन्होंने छोड़ दिया इंडियन सिविल सर्विसेज। और ये बाद में फिर ये पॉलिटिकल, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ये पॉलिटिक्स में आ गए थे, ये इंडिया को आजाद कराना चाहते थे। इन्होंने बोला मैं ब्रिटिशर्स के अंडर काम नहीं करूंगा, तो इन्होंने ये जॉब छोड़ दी थी बाद में। फिर ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे मैंने बताया जॉब जॉब छोड़ दी, उसके बाद ये आ गए थे। इन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, वो तो खैर बाद में बनाई थी, जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने ज्वाइन कर ली थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस को उन्होंने कर लिया था ज्वाइन, INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और लगातार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट रहे थे, लगातार 2 बार, तो काफी बड़ी बात थी। और मतलब आप समझ लो कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी बोस की, लगातार 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना कोई मजाक की बात नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा पॉपुलर थे। फिर गांधी जी से ऐसे इनके काफी कॉन्फ्लिक्ट थे, मतलब गांधी जी से इनकी कुछ चीजों में आइडियोलॉजी इनकी बनती नहीं थी, मतलब इनकी राह अलग थी, गांधी जी की राह बिल्कुल अलग थी, ठीक है। बड़ा ही जो सोच विचार में काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे इनके गांधी जी के साथ, तो काफी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं जिसके बारे में अगली स्लाइड में हम देखते हैं। फिर जब गांधी जी से इनका, मैंने बोला जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि गांधी जी से इनकी कुछ चीजें मैच नहीं करती थी। गांधी जी कहते थे ऐसा होना चाहिए, ये कहते थे नहीं ऐसा होना चाहिए, वो कहते थे नॉर्थ होना चाहिए, ये कहते थे साउथ होना चाहिए। तो गांधी जी से इनका काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा, जिसकी वजह से इन्होंने फिर कांग्रेस छोड़ दी और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली अलग से, जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। चैप्टर का नाम भी इसी नाम पे है, फॉरवर्ड ब्लॉक एक पॉलिटिकल पार्टी है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। फिर बोस जी के बारे में है, इन्होंने बाद में जाके इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया था, इंडियन नेशनल आर्मी जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हम आजाद हिंद फौज भी बोलते हैं, बाद में जाके लीड किया था। बाद में जाके लीड क्यों किया था ये भी आगे देखेंगे। ये था, अच्छा थोड़ा सा बता दूं INA थी क्या, थोड़ा सा चलो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो INA क्या थी, इंडिया के बाहर, जैसे ये इंडिया है, इंडिया के बाहर ये जो पूरा ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। क्या बोलते हैं इसको, साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया आता है साउथ एशिया में, इंडिया किस में आता है, इंडिया आता है साउथ एशिया में। तो इंडिया के इस साइड में अगर आप जाओगे राइट साइड में, तो ये सारा एरिया साउथ ईस्ट एशिया है। और यहाँ यहीं पे इसी एरिया में, यहाँ पे सारे जगह जापान भी था। तो क्या था, जापान लड़ाई लड़ रहा था किससे, इंग्लैंड से,
जापान की लड़ाई किससे थी? इंग्लैंड से थी। तो जापान का दुश्मन कौन था? इंग्लैंड। इंडिया का दुश्मन कौन था? इंग्लैंड। तो इंडिया और जापान की क्या थी? एक तरीके से दोस्ती। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। भाई जापान का भी दुश्मन कौन है? इंग्लैंड है। इंडिया का भी दुश्मन कौन है? इंग्लैंड है। तो इंडिया और जापान क्या बन गए थे? दोस्त बन गए थे आपस में, ठीक है। तो जापान ने इंडिया की ना बड़ी मदद की थी, तो जापान की हेल्प से बहुत सारे इंडियंस ने यहाँ पे अपनी एक आर्मी बनाई थी, इंडियन नेशनल आर्मी। तो इस इंडियन नेशनल आर्मी के जो लीडर थे, सेकंड लीडर बने थे, मतलब बाद में, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, जो बनी थी, उसके पहले लीडर थे जो स्टार्टिंग में थे, वो थे कैप्टन मोहन सिंह। अभी आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। बाद में जो सेकंड इंडियन नेशनल आर्मी के जो मेन, जब बागडोर संभाली कैप्टन मोहन सिंह के बाद में, वो संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर लेड इंडियन नेशनल आर्मी। बाद में स्टार्टिंग में कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी को संभाला था, उसको 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 लीड किया था, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया। इंडियन नेशनल आर्मी बनी कैसे थी? जापान की हेल्प से। यहाँ पे ये इस वाले एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, सिंगापुर में, म्यांमार में, इस एरिया में जो इंडियंस रहते थे, उन 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 सब ने मिलकर बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। ये इंडिया के बाहर थी आर्मी, और ये इन सब का गोल ये था, जापान की हेल्प से हम जाके यहाँ से इंग्लैंड वालों को इंडिया से भगा देंगे। ये थी पूरी कहानी। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दिया, अभी आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब ये सेकंड स्लाइड है, रिफ्ट विद गांधी। गांधी जी से इनके क्या मनमुटाव थे? देखो सबसे पहली बात थी, गांधी डिडंट एग्रीड विद बोस वायलेंट मेथड। देखो बोस तो कहते थे कि भाई अगर अंग्रेजों को भगाना है तो ये पीसफुल मेथड से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आप सोचो कि ये प्यार से मान जाएंगे, अंग्रेज प्यार से नहीं मानेंगे। बोस कहते थे इनके ऊपर वायलेंस अपनाना पड़ेगा, हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। तो गांधी जी लेकिन इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट थे। गांधी जी कहते थे कि नहीं जी, वायलेंस नहीं करना, हमें नॉन वायलेंट मेथड से ही चीजों को करना है। तो यहाँ पे एक तो टेंशन आ गई थी दोनों के जो मनमुटाव था, क्योंकि थॉट्स ही मैच नहीं कर रहे थे। फिर गांधी जी ने, जैसे मैंने बताया आपको, बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने 1930 में फिर कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि गांधी जी से इनका बना नहीं। फिर बोस का खुद का बिलीफ बहुत कम था ना, वो पीसफुल मेथड्स में बिलीव करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स इन सब में बिलीव ही नहीं करते थे। तो यही वजह थी, मतलब मेन कहानी मैंने जैसे बताया आपको कि गांधी जी कहते थे कि पीसफुल मेथड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई वायलेंस नहीं करेंगे। लेकिन बोस कहते थे नहीं जी, वायलेंस करना पड़ेगा, अंग्रेज मानने वाले नहीं है, ठीक है। ये बड़े मक्कार हैं, ये नहीं मानेंगे अंग्रेज, अंग्रेजों को बिना वायलेंस के बात समझ में नहीं आएगी, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मनमुटाव था, थॉट्स में डिफरेंस था गांधी जी के और बोस जी के। तो बोस कहते थे हमेशा आर्म्ड स्ट्रगल, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से। फिर बोस फेवर करते थे सोशलिज्म को। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म देखो उस टाइम पे ना, ये बात है 1940s की, ठीक है। 1942 में तो इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी आपकी, आजाद हिंद फौज का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1942 में हुआ था। तो ये जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, मतलब काफी हद तक बहुत बड़े वर्ल्ड के एक एरिया में, जैसे कि रशिया है, ठीक है, जापान है, तो यहाँ, और जैसे जर्मनी है, तो ये सारे, अगर आप देखोगे मोटा मोटा, अगर मैं बोलूँ तो रशिया में, ठीक है, सबसे ज्यादा रशिया में, एक आइडियोलॉजी चलती थी जिसको बोलते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म में क्या होता है, ये मानते हैं कि हर आदमी इक्वल है, ठीक है। अभी मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि सोशलिज्म क्या होता है। जनरली एक फॉर्म ऑफ, समझ सकते हो, कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोज बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो रशिया में उस टाइम पे चल रहा था सोशलिज्म, और ये सोशलिज्म उस टाइम पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस था। इसमें ये था कि जितने भी दुनिया में, मतलब जो कंट्री के लोग हैं सारे इक्वल हैं, सब एक बराबर हैं, और जो कंट्रोल होगा वो ऐसा नहीं कि खाली एक बिजनेसमैन कंट्रोल करेंगे कंट्री को, ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी बहुत रिच हो जाएगा दूसरा आदमी बहुत पुअर हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब बराबर हैं, सबकी पे इक्वल होनी चाहिए, और सब क्या रहेंगे, बराबरी से रहेंगे, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा। तो लगभग इस तरह की सोच थी उस टाइम पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी। इस सोच का जो मेन एरिया था वो रशिया था, ठीक है, जहां से जन्म हुआ था इस सोच का वो था रशिया। तो उस टाइम पे, जैसा मैंने बोला, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो चुका था सोशलिज्म। तो बोस भी जो थे, सुभाष चंद्र बोस भी, वो फेवर करते थे सोशलिज्म को, और ये चाहते थे कि इंडिया भी कैसे सोसाइटी बने, इंडिया भी रशिया जैसी ही सोशलिस्ट सोसाइटी बन जाए, ठीक है, यहाँ भी कोई अमीर गरीब ना हो, सारे बराबर हो, ठीक है। तो इस तरीके से सोचती इनकी। फिर और ये कहते थे कि जैसे कि ये जो टाइम है, ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था ये, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग लगभग अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज इस पीरियड में हुआ है, ठीक है। तो ये उसी टाइम की बात है, और उस टाइम पे ना इंग्लैंड कर रहा था लड़ाई। अब ये कहते थे कि अभी इंग्लैंड लड़ाई कर रहा है तो पूरा इंग्लैंड का जो ध्यान है वो लड़ाई की तरफ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ है। तो अभी हमारे पास चांस है, एडवांटेज ले लो इस मौके का कि
इंग्लैंड को यहाँ से मार भगाओ। थोड़ा सा इंग्लैंड कमजोर हो रहा था इंडिया में, क्योंकि इंग्लैंड का पूरा फोकस था उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ। तो बोस ने बोला कि अभी इसका फोकस वहां पे है, ध्यान वहां पे इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड पे अटैक करो, उनको बाहर निकालो। पर गांधी जी बोलते थे नहीं, ये करना ठीक नहीं है। तो फिर यहाँ पे भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। फिर क्या था, इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई नेशनल प्लानिंग कमेटी बननी चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। इन्होंने बोला कि भाई कंट्री को पूरा क्या करो, इंडस्ट्रियलाइज करो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी करो, ये करो, ऐसे करो, इंडस्ट्रीज बनाओ, एक्सपैंड करो। पर गांधी जी कह रहे थे नहीं, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करना लार्ज स्केल पे, हमें अपने गाँव हैं जो छोटे छोटे विलेजेस हैं इनको ही एम्पावर करना है, जो हमारे गाँव हैं उनकी ही पावर बढ़ानी है। पर ये कह रहे थे कि नहीं, कि हम तो बड़े लेवल पे मास इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे भी फिर एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गया था गांधी जी से इनका। फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन्होंने फिर कांग्रेस छोड़ दी थी क्योंकि गांधी जी से इनकी बनी नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना ली, जिसको क्या था, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। और जैसा कि मैंने बताया, ये सोशलिज्म में बिलीव करते थे, तो इन्होंने अपनी पार्टी को बोल दिया कि सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है ये। इसमें क्या बोला इन्होंने, ऑल पावर टू इंडियन पीपल। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से बोला हुआ है कि सोशलिज्म की जो फिलॉसफी है, इस वर्ड सोशलिज्म की फिलॉसफी यही है कि सारे लोग बराबर हैं, सबके पास इक्वल पावर है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कुछ नहीं है। तो यही इनका स्लोगन था, ऑल पावर टू इंडियन पीपल। फिर इन्होंने बोला अपनी पॉलिटिकल पार्टी में कि अब एक्शन लेना है, वायलेंट एक्शन हमें लेना पड़ेगा, बंदूकें उठानी पड़ेगी, ऐसा काम चलेगा नहीं, अंग्रेज भागेंगे नहीं। फिर इन्होंने जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट थे। जमींदारी सिस्टम में क्या होता है कि मतलब जो एक बहुत पैसे वाला आदमी होता है, वो गरीब आदमी को मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है। तो ये इनको बर्दाश्त नहीं था कि इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो गरीबों का। तो उन्होंने बोला ये जमींदारी सिस्टम हटाओ। और फिर उन्होंने बोला कि न्यू मॉनेटरी सिस्टम आना चाहिए, जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। मतलब उस टाइम ये जो पैसे का लेन देन था कंट्री में, ये उस चीज से खुश नहीं थे, ये चाहते थे कि नया सिस्टम आए जिससे कि पैसे का लेन देन हो। ठीक है। फिर फ्रेंडली रिलेशन विद रशिया, रशिया से तो फ्रेंडली रिलेशन होने ही थे क्योंकि जो उनकी पूरी फिलोसफी थी सोशलिज्म की वो वहीं से आ रही थी, रशिया ही जन्मदाता है सोशलिज्म का। ठीक है। फिर बोस गॉट अरेस्टेड। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब देख लिया भाई उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, कि ये सुभाष चंद्र बोस तो काफी फेमस हो रहे हैं, इनकी पार्टी बन गई है, लोग इनको बड़ा फॉलो कर रहे हैं, और ये एग्रेसिव हो रहे हैं, मिलिटेंट एक्शन की बात कर रहे हैं, गन्स उठाने की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने उठा के इनको जेल में बंद कर दिया, 1940 में अरेस्ट कर लिया। लेकिन ग्यारह इन्होंने फास्ट रख लिया, इन्होंने बोला कि जब मैं, इन्होंने रख लिया था फास्ट एंड टू डेथ। ठीक है, जब तक मरूंगा नहीं, मतलब एक तरीके से ना ये चले गए थे हंगर स्ट्राइक पे। ठीक है, ये बोलूंगा, अगर मैं ये नहीं बोलूंगा, ये वर्ड ज्यादा बेटर होगा, हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स घबरा गए कि भाई इतना पावरफुल आदमी हंगर स्ट्राइक पे जा रहा है, कुछ हो गया तो पूरा का पूरा जो देश है वो एकदम से हमें भगा देगा। तो ब्रिटिशर्स डर गए इनके इस मूव से, बोस के। तो ब्रिटिशर्स ने इनको 11वें दिन छोड़ दिया। फिर ये वहां से अफगानिस्तान चले गए थे, अफगानिस्तान से फिर ये होते हुए मॉस्को से फिर जर्मनी की तरफ चले गए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक माने आपको दिया, मतलब अब यहां से क्या हुआ, ये निकलने के बाद ये अब ये इंडिया के बाहर मूव कर गए, यहीं से इनकी असली शुरुआत हुई थी पावर स्ट्रगल की। मतलब कैसे इन्होंने बाहर जाके अपना वो बनाया, अपने यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया, और किस तरीके से यहीं से इनकी शुरुआत हुई थी कि अब ये सोच रहे थे कि हम जापान की हेल्प से मैं अपनी पावर यहां से बनाऊंगा इंडिया के बाहर से, फिर मैं यहाँ पे इंडिया में अटैक करूंगा इंग्लैंड पे, और इंग्लैंड को यहां से मार भगाऊंगा। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया, अब ये इंडिया के बाहर चले गए थे बोस जी। अब इंग्लैंड, इंडिया के जब बाहर गए तो क्या बनाई, तो अब बात आ रही थी इंडियन नेशनल आर्मी की। अब टाइम आ गया था इंडियन नेशनल आर्मी के बनने का। फिर अब जब बात आती है इंडियन नेशनल आर्मी की, इंडियन नेशनल आर्मी क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इंडियन नेशनल आर्मी, अब देखो एग्जैक्टली बनी कैसे थी, थोड़ा सा और मैं आपको डेप्थ में बता देता हूँ। अगर आप देखोगे ये मैप, देखो ये वाला जो एरिया है, ये है इंडिया। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो यहाँ वाले जो पूरा एरिया है, इसमें यहाँ मान लो सिंगापुर भी था। अब यहाँ पे क्या था, इस वाले एरिया पे पहले राज था इंग्लैंड का। ठीक है, तो इंग्लैंड का पूरा राज था, और यहाँ पे इंग्लैंड उस टाइम लड़ाई किससे लड़ रहा था, जापान से। तो यहाँ पे जापान ने इंग्लैंड की फोर्सेस को हरा दिया था, और जापान ने यहाँ पे क्या कर लिया था, कॉनकर कर लिया था। इंग्लैंड को तो निकाल दिया था बाहर, और जापान ने यहाँ पे कर लिया था कॉनकर। और जब यहाँ पे कॉनकर किया, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, क्या थे, प्रिजनर्स
प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है, मतलब जब इनको यहां से मार भगाया इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड की तरफ से कौन लड़ रहा था, इंडियंस भी लड़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जापान के लोगों ने, जब जापान ने अटैक किया, इंग्लैंड को बाहर निकाला, तो यहाँ पे जो पकड़े गए थे, मतलब जो सेना में, इंग्लैंड को तो हरा दिया था, सरेंडर कर दिया इंग्लैंड की फोर्सेस ने या जापान के सामने। फिर उसमें जिन्होंने सरेंडर किया, जो पूरी आर्मी थी उसमें इंडियंस बहुत सारे थे, ठीक है। तो वो जो इंडियंस थे, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे, वो जो यहाँ पे इंडियंस थे इधर सिंगापुर में, साउथ ईस्ट एशिया में, इन सब ने मिलके बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी। इस इंडियन नेशनल आर्मी के जो पहले लीडर थे वो थे कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी। फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी के मेन फाउंडर कौन थे, लीडर कौन थे? वो थे कैप्टन मोहन सिंह। बाद में जब सुभाष चंद्र बोस जी वहां पहुंचे, तो फिर बनी थी, इन्होंने बनाई थी सेकेंड इंडियन नेशनल आर्मी। तो जो सेकेंड इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसको लीड किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो इस तरीके से यह है पूरी, एक लगभग हिस्ट्री दे दी मैंने आपको। अब देखो, अब यहाँ पे ये स्लाइड में है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इंडियन नेशनल आर्मी बनी, मतलब कौन से सर्कमस्टेंसेस थे, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इंडियन नेशनल आर्मी को बनना पड़ा। तो पहली चीज आ रही है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। जैसा कि मैंने बताया, ये सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे यहाँ पे, जो इन सब ने, जितने भी यहाँ पे रिलीज हुए प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जापान की जो सेना ने छुड़ा छुड़ाया, ठीक है, इंग्लैंड को तो मार भगाया, भगा दिया ऐसे, तो फिर यहाँ पे जितने भी इंडियंस थे उनको छुड़ा दिया आजादी सीधी। तो इन सब ने मिलके एक बनाई थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। क्या बनाई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो आर्मी थी उसको बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। ये इंडियन बनी थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो आर्मी थी उसको बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। तो अब ये देखो आप, तो ये एक बड़ा रीजन है, ठीक है। इसी की वजह से, इसी की अगर आप बुक में देखोगे, आपके बुक में लिखा हुआ है, ये मिलिटेंट इसकी जो विंग थी उसको बोला जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो मिलिटेंट विंग थी उसे बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। ये है हमारे कैप्टन मोहन सिंह जी, जो जिन्होंने स्टार्टिंग में फाउंडर थे इंडियन नेशनल आर्मी के, जो फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी बनी थी उसके फाउंडर थे। ये फोटो आपको दिखाई देगी कैप्टन मोहन सिंह की। और ये जो व्यक्ति हैं, ये हैं रास बिहारी बोस, ठीक है, इनका नाम है रास बिहारी बोस। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इंडियन नेशनल आर्मी में। तो अगर आप गूगल करोगे ना इंडियन नेशनल आर्मी, तो तीन नाम आपको ज्यादातर दिखाई देंगे, सुभाष चंद्र बोस जी, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। फिर क्या हुआ? फिर हुआ टोक्यो कॉन्फ्रेंस। टोक्यो कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? टोक्यो कॉन्फ्रेंस में फिर यही सब हुआ कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बन गई है, अब इसको कैसे पावर दें, इंडियन नेशनल आर्मी को कितनी पावर दी जानी चाहिए, कैसे अटैक होगा, इंडियन नेशनल आर्मी को ज्यादा पावर देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। जापान इसको इंडिया को कौन सपोर्ट कर रहा था? इस इंडियन नेशनल आर्मी को जो बनाई थी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स ने, प्रिजनर ऑफ वॉर ने इनको सपोर्ट, मेनली जापान। जापान फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहा था, जापान पॉलिटिकल सपोर्ट भी कर रहा था, सारे के सारे जो आर्म्स हैं, जो वेपन्स है, वो जापान प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। फिर ऐसी बैंकॉक में कॉन्फ्रेंस हुई कि अब इस तरह से अटैक किया जाएगा, वैसे अटैक किया जाएगा, ये करा जाएगा, पावर बनाई जाएगी, इस तरह से हम करेंगे। जापान बोल रहा था इस तरह से आप अटैक करो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया को, और जाके हम इंग्लैंड को बाहर निकाल देंगे, ये करेंगे। और जापान ने काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया था उस टाइम पे इंडिया को। वॉर भी हुई थी काफी, अगर आप पढ़ोगे आप आगे कभी हिस्ट्री में, जापान और ब्रिटिश आर्मी की काफी हद तक वॉर हुई थी यहाँ पे म्यांमार के एरिया में, ठीक है। अच्छा, म्यांमार के एरिया को आपकी बुक में बर्मा लिखा हुआ है, ठीक है, तो पुराना नाम है म्यांमार का बर्मा। और एक नाम और है आपकी बुक में रंगून, ठीक है। रंगून क्या है? बर्मा जो है उसकी पुरानी कैपिटल का नाम था रंगून। आपने गाना भी सुना हुआ है, मेरे प्रिया गए रंगून, तो ये वही है गाना, ठीक है। बर्मा में है, बर्मा भी म्यांमार को बोलते हैं, उसकी कैपिटल थी रंगून। फिर इंडियन नेशनल आर्मी ये इन सब चीजों की वजह से फॉर्म हुई 1 सितंबर 1942 में। अब क्या है रोल ऑफ, क्या इसका रोल क्या रहा, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी का फ्रीडम स्ट्रगल में। देखो, पहला तो क्या था, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या होता है? टेम्परेरी गवर्नमेंट। टेम्परेरी गवर्नमेंट कैसे, कि जापान ने और कुछ कंट्रीज ने बोल दिया कि ये जो इंडियन नेशनल आर्मी बनी है, ये सुभाष चंद्र बोस जी के जो अंडर है, यही कंट्री को रूल करेगी और यही इंडिया की गवर्नमेंट है। मतलब जापान मानने लगा था कि जो बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई है, यही इंडिया की, मतलब यही असली गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, अगर जब इंडिया फ्री होगा तो इन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी, बोस जी की, ठीक है। तो पहली फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ये फ्री इंडिया की, तो ऐसा माना गया था। और देखो, जैसा कि मैंने बताया, जापान लड़ रहा था, जापान ने ये पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था, जापान ने इंग्लैंड को हरा दिया था, ठीक है, पूरा यहाँ तक पूरा घुसाया था जापान,
म्यांमार तक, और यहाँ पे पूरा एरिया भी जापान ने, ये वाला पूरा एरिया सारा का सारा, जितना भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, सारे के सारे जापान ने कॉन्कर कर लिए थे, इंग्लैंड को मार भगाया था। और ये जो अंडमान निकोबार वाला एरिया है, ये किसको दे दिया फिर जापान ने, सुभाष चंद्र बोस जी को, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे जितने एरिया से, अंडमान निकोबार एरिया से जो इंग्लैंड हार के भाग गई थी, वो जब फ्री हो गया था इंडिया, उसको वहां पे गवर्नमेंट किसकी सेट कर दी थी, उन्होंने बोला था कि बोस जी से कि आप यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट सेट करो, तो इसलिए बोलते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई थी फ्री इंडिया की सुभाष चंद्र बोस ने। फिर क्या हुआ, फिर बोस ने जो बनाई थी इंडियन नेशनल, मतलब ये जो सेकेंड इंडियन नेशनल आर्मी थी, पहली तो कैप्टन मोहन सिंह ने बनाई थी, तो जो आजाद हिंद फौज इन्होंने बनाई थी, जो जिसके बोस ने, उन्होंने इन्होंने क्या कर दिया, बोस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया कि मैं वॉर लड़ूंगा, हमारी फौज वॉर लड़ेगी यूएस और इंग्लैंड से, ठीक है, क्योंकि यूएस और इंग्लैंड दोनों इस टाइम पे एक साथ थे। और फिर बहुत हद तक देखो, अगर इंडियन नेशनल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी स्टार्टिंग में, साउथ ईस्ट एशिया में काफी हद तक, इस पूरे एरिया में जापान के साथ लड़के इन्होंने, इंडियन नेशनल आर्मी ने जापान के साथ लड़के भार मार भगाया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। पर फाइनली क्या हुआ, देखो फाइनली क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आगे चला था ना, आप देखोगे तो जापान हार गया, जापान पे यूएस ने अटैक कर दिया था, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे हिरोशिमा नागासाकी में, जापान ने कर दिया सरेंडर। जापान के सरेंडर करते ही इंडियन नेशनल आर्मी क्या पड़ गई, वीक पड़ गई। फिर जैसे ही ये वीक पड़ी, लड़ाई कर रही थी यहाँ पे, इस एरिया में लड़ रही थी, ये एरिया कौन सा है, म्यांमार वाला एरिया है, ठीक है, बर्मा वाला एरिया है ये वाला एरिया। तो अब जापान तो हार गया, जापान ने तो कर दिया पहले ही सरेंडर, अब जापान के हारते ही इंडियन नेशनल आर्मी पड़ गई वीक। जैसे ये वीक पड़ी, ब्रिटिशर्स ने फिर इनको हरा दिया, इंडियन नेशनल आर्मी को, और इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया था, सरेंडर कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो फिर फाइनली क्या हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी ने सरेंडर कर दिया ब्रिटिश ट्रूप्स को। अब बोस, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने ये छोड़ दिया यहाँ पे इस टाइम पे बर्मा को, और बर्मा से ही होते ही वो बैंकॉक के, बैंकॉक में आ गए थे, बैंकॉक से फिर उन्होंने फ्लाइट पकड़ी थी, टोक्यो गए थे। अब ऐसा बोला जाता है कि बैंकॉक से जब ये टोक्यो फ्लाइट पकड़ के जा रहे थे, एक्चुअल में इनका ये एम था कि मैं दोबारा अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करूंगा, इंडियन नेशनल आर्मी को दोबारा अटैक करूंगा इंडिया पे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। बैंकॉक से टोक्यो जो उन्होंने फ्लाइट पकड़ी थी, वो फ्लाइट क्रैश हो गई और इनकी डेथ हो गई। अभी भी जो इनकी डेथ है सुभाष चंद्र बोस की, उसको काफी ज्यादा मिस्टीरियस डेथ माना जाता है, कहते हैं कि एग्जैक्टली ऐसे डेथ नहीं हुई थी, और रीजन से डेथ होने के, तो अभी नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या डेथ का रीजन है। तो जो बुक्स में जो पढ़ाया जाता है, लिखा जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, यही है कि फ्लाइट में इनकी प्लेन क्रैश डेथ हुई थी, लेकिन डेथ अभी भी इनकी काफी मिस्टीरियस मानी जाती है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिखाई देगा काफी सारे रीजन है इनकी डेथ के पीछे। फिर क्या था रेड फोर्ट ट्रायल, रेड फोर्ट ट्रायल क्या था कि देखो, ये जो सारे इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स ने सरेंडर किया था ना, तो ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि अब हम इनका ट्रायल करेंगे। ट्रायल मतलब क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे, जैसे कि कोर्ट में सुनवाई होती है ना, जज बैठेगा, वो डिसाइड करेगा कि इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, तो उसको ये सजा मिलेगी, उसको वो सजा मिलेगी। तो ऐसी रेड फोर्ट जो एरिया था दिल्ली में, वहां पे ट्रायल हुआ। ट्रायल क्या हुआ, जितने भी इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स थे, इनके ऊपर वो बैठ गई, एक ज्यूरी बैठी, ठीक है, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने बिठा दी, अपनी अपने जज बिठा दिए। अब वो डिसाइड कर रहे थे कि इसको ये सजा मिलेगी, ये हमारे खिलाफ लड़ा है, इसको ये सजा मिलेगी, इसको ये सजा मिलेगी। तो इस तरीके से रेड फोर्ट में ट्रायल हुआ था। बट इस ट्रायल का काफी ज्यादा इंडिया में इंडियंस ने काफी ज्यादा ओपोजिशन किया था, क्योंकि इंडिया की इंडियंस कहते थे कि ये तो हमारे भाई हैं, इंडियन नेशनल आर्मी में जो लड़ रहे हैं ये तो हमारे हीरो हैं, ये तो हमारे कंट्री के पेट्रियट्स हैं, तो ब्रिटिशर्स अगर आप इनको सजा दे रहे हो तो आप हमारे ही खिलाफ जा रहे हो, ठीक है। तो काफी रिवोल्ट हुआ था, काफी ऑपोजिशन हुआ था ये ब्रिटिशर्स के इस टाइम पे रेड फोर्ट ट्रायल का, ठीक है। तो ये जितने भी सोल्जर्स थे ना इंडियन नेशनल आर्मी को, इनको एज अ हीरोइक वेलकम दिया गया था, ये माना गया था कि ये सच में बहुत बड़े हीरो हैं, और हीरो थे भी, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लिए लड़ रहे थे। फाइनली क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब इसका इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन नेशनल आर्मी का, इस पूरे जो ये हुआ जो सुभाष चंद्र बोस ने और सबने मिलकर किया। देखो सबसे बड़ी बात थी, कांग्रेस और मुस्लिम साथ साथ आ गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ साथ आए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ 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 आके ये जो रेड फोर्ट ट्रायल हुआ था ना, यहाँ पे आके कांग्रेस और मुस्लिम लीग, क्योंकि जो इंडियन नेशनल आर्मी में जो सोल्जर्स पकड़े गए थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ आई थी, और इन्होंने अर्ज किया था, रिवोल्ट किया था कि ब्रिटिशर्स आप हमारे सोल्जर्स को कुछ भी ऐसे कहीं भी किसी भी तरीके का कोई खराब जजमेंट नहीं दोगे, इन्हें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ठीक है। तो ये बड़ी चीज थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आ गई थी। फिर सबसे बड़ी बात थी, इंडिया में एक लहर फैल गई थी हीरोइज्म की, मतलब जैसे मैंने बताया ना, इंडियन नेशनल आर्मी में जो सोल्जर्स पकड़े गए थे, इनको माना जाता था कि ये सच में हीरो हैं, ये और ये कंट्री के रियल हीरो हैं भी, क्योंकि
ठीक है, तो इनको बोला गया था हीरो है, सोल्जर था, ये हमारे लड़ रहे हैं, ये हमारे आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो इससे पूरे कंट्री में एक लहर फैल गई थी कि हमें भी लड़ना है, हम इंडिया को आजाद कराएंगे, इंडियंस लड़ सकते हैं, इंडियंस अपनी आजादी पा सकते हैं। तो एक पूरे कंट्री में एक इंस्पिरेशन आ गया था, मोटिवेशन आ गया था कि लड़ना है, आजादी पानी है। ठीक है, फाइनली जब इतना ज्यादा प्रेशर आया, ऑपोजिशन ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, सारे इंडियन, इंडिया ने जब ब्रिटिशर्स को अपोज किया कि आप हमारे जो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स हैं उनको कुछ गलत नहीं करोगे, उनको छोड़ दिया जाए, उनको छोड़ा जाना चाहिए, ये हीरो हैं हमारी कंट्री के, तो ब्रिटिश ने, ब्रिटिशर्स डर गए, घबरा गए इतने ऑपोजिशन से, और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को छोड़ दिया। तो 11,000 के आसपास सोल्जर्स को रिलीज कर दिया गया। ठीक है, और जैसा मैंने बताया, इंस्पायर्ड अपराइजिंग्स इंडिया में उस टाइम जितने भी पूरे की पूरी जो इंडिया की जो इन जनरल भी आर्मी थी, नेवी थी, सब कुछ थी, सबके अंदर क्या हुआ, एक ऐसी भावना आई, एक ऐसा इंस्पिरेशन आया कि हमें भी लड़ना है। जब कंट्री के बाहर रह के, ठीक है, इस तरह से लोग लड़ सकते हैं इंडिया के लिए, अपनी जान पे खेल सकते हैं, बोस ने इतना सेक्रीफाइस किया तो हम क्यों नहीं लड़ सकते, हम इंडिया के अंदर रह के क्यों नहीं लड़ सकते, हमें भी लड़ना है और हमें भी इंडिया को आजाद कराना है। तो ये काफी बड़ा सिग्निफिकेंस था, रोल था, मेन चीज थी कि इंडिया में इंस्पिरेशन और मोटिवेशन जो चाहिए था वो लाके इन्होंने खड़ा कर दिया था। तो गाइज ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक पे हिट करें, कमेंट करें और इसको सब ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सबको अच्छी और इजी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।